सो गाइस यहाँ पर हमारे पास आ चुका है Xiaomi का Mi 11 Ultra और यहाँ पर जो Xiaomi Mi 11 Ultra है ये इंडिया में भी लॉन्च होगा। Amazon पर इसके लीक्स वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। 23 को लॉन्च इवेंट है इसका। कंपनी ने फोन सेंड नहीं किया, हम लोगों ने बाहर से इसे इंपोर्ट करवा लिया था। तो सारी बात बताएंगे क्या क्या सारी चीजें। तो यहाँ पर ये रहा Mi 11 Ultra का बॉक्स और उसी के साथ में यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का सेटअप भी आता है। 80 वॉट और 120 वॉट का भी ब्रेक आता है और यहाँ पर यह है 67 वॉट का चार्जर। तो यहाँ पर चलो इसे सबसे पहले बाहर निकालते हैं। उसी के बाद में यहाँ पर इसके अंदर हमें देखने मिलते हैं कुछ मैनुअल, कुछ कार्ड्स वगैरह। इसका TPU कवर, यार सस्ता कवर है सच कहूँगा, थोड़ा सा प्रीमियम तो देना चाहिए था, ये इसका स्टार सा कवर दे दिया। ये रहा हमारा मेन फोन, हैवी है, एक्चुअली हैवी है। और ये रहा फर्स्ट इंप्रेशन Xiaomi Mi 11 Ultra का और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर चलो इसे बाहर निकालते हैं। और ये रहा Xiaomi Mi 11 Ultra, पीछे की तरफ एकदम सिरामिक बैग देखने मिल जाता है हमें और आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने मिल जाता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और पीछे इसके बड़े बड़े आंखें देख सकते हो आप। DxO मार्क पर इसे 143 की रैंकिंग दी गई है, iPhone को भी बीट करके आगे आ चुका है। सो यहाँ पर जो मेन सेंसर है उसका जो साइज है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा देखने मिल जाता है अभी तक के जितने भी कैमराज आए हैं, फोन कैमराज की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर देखो ये है कि बिल्ड तो एक्चुअल में काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है बट जो इसका कैमरा बम्प है ना भाई वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा निकल कर आ जाता है। कैमरा बम्प नहीं, बम्पा कह सकते हो आप। सभी के फ़ोन यहाँ पर हो जाते हैं अपने पैरों पर खड़े और ये होता है कि नहीं, और ये नहीं हो पा रहा है, हुआ हुआ ये पैरों पे खड़ा हो पाया। और उसके बाद में अगर ऐसा भी करे तो उल्टा भी खड़े हो जा रहा है और उल्टा जल्दी स्टेबल हो पा रहा है क्योंकि जो काउंटर बैलेंस थोड़ा सा इधर निकाल देता है ना ऐसा रखोगे तो। तो यहाँ पर एक और ताकत है इसकी और हमने इसे रख दिया कुछ इस तरीके से और ये ऐसे भी रह जाएगा। तो एक नया तरीका आ चुका है फ़ोन को खड़ा रखने का, लेकिन मैं इसे नहीं करूँगा ऐसा। तो यहाँ पर आपको साइड की तरफ जो बॉडी देखने मिल जाती है, एल्यूमिनियम बॉडी आपको देखने मिल जाती है जो काफ़ी सही निकल कर आती है। और उसी के बाद में यहाँ पर सिम कार्ड स्लॉट है जहाँ पर आप दो सिम कार्ड लगा पाओगे। मैं ऑलरेडी एक सिम कार्ड लगा के यूज़ कर रहा था इसे। और यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट देखने मिलता है, माइक देखने मिल जाता है और स्पीकर ग्रिल यहाँ पर एक आती है। और इस तरफ हमें लॉक बटन देखने मिल जाता है और यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर बटन है। टॉप की तरफ आयर ब्लास्टर है, एक स्पीकर और देखने मिल जाता है जिसमें हार्मन कार्डन की ब्रांडिंग भी आपको देखने मिल जाती है। और यहाँ पर आपको सेकेंडरी माइक मिलता है फॉर नॉइस कैंसिलेशन के लिए। सो यहाँ पर 11 अल्ट्रा को लेकर जो सबसे पहले दिल से जो बात निकली थी, ओ भाई क्या ही डिस्प्ले देखने मिलता है। 2K का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पैनल के साथ में। और एक बात बताऊं, अभी यहां पर आपने कुछ रिसेंट टाइम में फोन देखे होंगे जिसके अंदर 1200 की नीट्स आ रही थी, 1300 की नीट्स आ रही थी, भाई इसके अंदर 1700 की नीट्स निकल कर आती है। सो सुपर ब्राइट कह सकते हो डिस्प्ले को लेकर आप। और यहाँ पर एक चीज और है, डिस्प्ले आपको यहाँ पर डिस्प्ले आपको कर्व भी देखने मिल जाता है, मतलब डिस्प्ले में सारी चीजें भर दी गई है। सो देखो यहाँ पर मैंने इसे कुछ दिन यूज करके देखा, एक चीज क्या फेस हो रहा था मालूम है, जब मैं इसे पकड़ रहा हूँ ना तो यहाँ पर ये कैमरा बम्प इतना है ना, इसका हैवीट इतना कह सकते हो, लाइक थोड़ा सा भी अगर आप नीचे पकड़ोगे ना ऐसा तो फोन आपका नीचे गिरने लगता है, लिटरली ऐसे फील होता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से ऐसा पकड़ना पड़ता है इसे। और पीछे जो इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हो, एक मिनी डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है, जो आप Mi Band 5 के अंदर जो डिस्प्ले था ना वो डिस्प्ले आपको यहां पर देखने मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले चेक करा जाएगा कितना खाया पिया है इसने, और 233 ग्राम। ओहो भाई, और कवर लगा दिया तो और बढ़ जाएगा भाई। सो वजन के मामले में इसने कोई कंजूसी नहीं दिखाई है, एकदम मोटा ताजा बनकर आया हुआ है। सो यहाँ पर ये है इसका चार्जर 67 वॉट का जो आपको देखने मिलता है, 67 वॉट का चार्जर है। तो USB केबल टू टाइप सी आपको देखने मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और उसी के बाद में ये बड़े भाई साहब भी इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये देखने मिलता है आपको इसका वायरलेस चार्जर और कुछ अलग ही लुक निकाल के दिया है। सो इस तरीके से भाई साहब खड़े हो जाएंगे और मस्त लुक निकाल के दे रहा है। और यहाँ पर पीछे आपको इसका कनेक्टर देखने मिल जाता है और यहाँ पर नीचे की तरफ फैन ग्रिल भी दी गई है और ये भी काफी सॉलिड है और अंदर फैन भी लगा हुआ है बाकायदा। सो यहाँ पर जो चार्जर 80 वॉट का आपको देखने मिलता है और इसके अंदर एक और आता है ये भाई साहब भी, और ये है 120 वॉट का आपको एडिशनल चार्जर इसके अंदर भी देखने मिल जाता है। और ये इसका केबल और इसका वेट बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर जो फोन है ना ये 67 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और जो वायरलेस चार्जर है 80 वॉट का आता है बट ये 67 वॉट की चार्जिंग करवा के दे देगा आपके Mi 11 Ultra को। सो ये ना देखने में काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने मिल रहा है लिटरली। और इस फोन के जो टच सैम्पलिंग देखने मिलती है ना वो आती है 480 हर्ट्ज़ की,
भाई बहुत ही ज्यादा इनसे निकल कर आता है। ये चीज जो गेमर्स होते हैं उनको ज्यादा अच्छे से समझेगा, उनको ज्यादा हेल्प करेगा एक्चुअली टच रिस्पॉन्स जो है। सो यहाँ पर इसे आप फुल एच डी प्लस और साथ ही साथ 2K के अंदर रख के भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको जो क्वालिटी है ना वो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग निकल कर आएगी इस डिस्प्ले के अंदर 120 हर्ट्ज के साथ में। सो यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का आपको फ्रंट में सपोर्ट देखने मिल जाता है और पीछे की तरफ आपको सिरामिक बैक देखने मिलती है। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स भले है इसके अंदर, पर यहाँ पर भी हमें स्क्रैच लाइन देखने मिल जाती है, कुछ ऐसे विजिबल लाइन यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी जो मेरे यूजेस के दौरान निकल कर आई है, यहाँ पर और यहाँ पर और एक यहाँ पर भी, और तीन, मतलब टोटल 3 से 4 विजिबल स्क्रैच आ चुके हैं। तो भाई सो देखो यहाँ पर 11 अल्ट्रा के अंदर आपको आईपी रेटिंग 168 देखने मिलता है, तो आप पानी वगैरह के अंदर इसे डुबा सकते हो, वो भी सब चीज़ें निकल कर आती है। सो यहाँ पर ये फ़ोन जब इंडिया के अंदर लॉन्च होगा तो उसकी प्राइसिंग क्या होगी वो मैं आप लोगों को कमेंट सेशन के अंदर पिन कर दूंगा। सो यहाँ पर इंडिया के अंदर पता नहीं शायद से 8GB 128 वाला वेरियंट लॉन्च हो जाए, और वहाँ पर अगर इसकी प्राइसिंग को लेकर बात करेंगे तो कुछ मेरे हिसाब से इस फोन की प्राइसिंग अंडर 75,000 रुपीज आनी चाहिए। सो यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 11 देखने मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 देखने मिलता है और वाईफाई 6E का सपोर्ट देखने मिल जाता है। और उसी के बाद में देखो यहाँ पर डिस्प्ले तो मैंने जैसे बताया काफी अच्छा निकल कर आता है, और यहाँ पर जो स्पीकर है ना वो आपको हार्मन कार्डन के देखने मिल जाते हैं, जिसका जो आउटपुट है ना वो काफी ज्यादा मस्त निकल कर आता है। यहाँ पर आप एक सैंपल भी सुन सकते हो कितने ज्यादा अच्छे स्पीकर आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर इस फोन के अंदर हमें जो बैटरी मिलती है 5000 mAh की आती है, और उसी के बाद में यहाँ पर फास्ट चार्जर भी आपको देखने मिलता है, फास्ट वायरलेस चार्जर भी आपको देखने मिल जाता है, और साथ ही साथ ये फोन 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। सो अभी यहाँ पर इस फोन के कैमरा को लेकर बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट निकल कर आता है क्योंकि DxO मार्क पर इसे जो नंबर दिया गया है अभी फर्स्ट रैंक पर आके बैठा हुआ है 143 की नंबर के साथ में। तो यहाँ पर हमें टोटल पीछे की तरफ 3 कैमरा का सेटअप देखने मिल जाता है, जिसके अंदर प्राइमरी जो कैमरा है वो आपको 50MP का OIS के साथ देखने मिलता है, 48MP का आपको पेरिस्कोप लेंस देखने मिलता है 120x जूम के साथ में, और जो तीसरा कैमरा आपको 48MP का अल्ट्रा वाइड देखने मिलता है, और यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है 20MP का, और सबसे पहली बात ये काफी छोटा पंच होल देखने मिलता है। सो यहाँ पर हमने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया, तो इसके अंदर जाकर डिस्प्ले प्रीव्यू मोड ऑन करना है आपको, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि फ्रंट कैमरा आपका मतलब जो बैक कैमरा है उसे आप ऐसे सेल्फी के लिए भी यूज कर सकते हो, और उसी के बाद में आप इसे अल्ट्रा वाइड के अंदर भी स्विच कर सकते हो और जूम के लिए भी यूज कर सकते हो, हालांकि जूम तो हम सेल्फी में तो करेंगे नहीं। पर एक बात बताना चाहूंगा, ये जो मोड है ना जिसके अंदर आप डिस्प्ले में सारी चीजें देख सकते हो, सो ये सिर्फ आपको फोटो मोड के अंदर काम करके देगा, इवन अगर आप इसे पोर्ट्रेट मोड में भी स्विच करोगे ना तो ये डिस्प्ले काम करना बंद कर देगा, मतलब तब ये वर्क नहीं करेगा, और अगर आप इसे वीडियो मोड के अंदर यूज करना चाहोगे तो भी ये भाई साहब काम नहीं करते। तो मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा बुरा लगा कि मैं सिर्फ फोटोज के लिए इस भाई साहब को यूज करूंगा, वो भी इस तरीके से जिसमें मेरा बड़ा सा हाथ भी देखने मिल जाएगा। सो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है वीडियो मोड के अंदर भी ऑन होता ना तो काफ़ी ज़्यादा सही निकल कर आता, क्योंकि वहाँ पर जो व्लॉगर लोग हैं उनके लिए ये जो कैमरा सेटअप होता वो काफ़ी ज़्यादा इनसेन निकल कर आता। बट मे बी शायद फ्यूचर में कुछ अपडेट्स के थ्रू ये कैमरा मोड है जो वीडियो मोड है शायद बैक कैमरा से भी हम ऑन कर पाए, अभी तो फिलहाल मैं फोटोज़ के अंदर इसे यूज़ कर पा रहा हूँ। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो 1080p 60fps की फ्रंट फेसिंग वीडियो है, और थोड़ा सा कह सकते हो जूम कह सकते हो ज़्यादा मतलब चिपका हुआ है मुंह पे, वाइडर उतना देखने नहीं मिलता है, और यहाँ पर अभी जो वीडियो देख रहे हैं 1080p 60fps की नॉर्मल वीडियो है, वाइड एंगल पे मैंने स्विच नहीं किया है, और इनकेस अगर मैं इसे वाइड एंगल पे स्विच कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। सो नाउ यहाँ पर 1080p 60fps की वाइड एंगल की वीडियो है तो इस तरीके से ले सकते हो, पर अभी जो इसका फ्रंट कैमरा है वो हमें कुछ काम में नहीं है, सॉरी इसका जो बैक डिस्प्ले वो हमें कुछ काम में नहीं आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ फोटो मोड में काम आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से सारा आपको आउटपुट देखने मिल जाता है। बाकी रही बात इस फोन के फोटो सैंपल को लेकर, तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे सैंपल खींच के देखे थे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लुक निकल कर आता है, फोटोज भी काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आती है। तो चांद सितारों की फोटो निकालने के लिए या फिर पड़ोसी के घर में झांकने के लिए या फिर कहीं भी झांकने के लिए आपको ये कैमरा मस्त में काम आ जाएगा। तो वीडियो मोड के अंदर आप 1080p 60fps, 4K 60fps, 8K 24fps के अंदर शूट कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको स्लो मोशन के अंदर आप जो देख सकते हो सबसे हाईएस्ट आप 1920fps की भी वीडियो निकाल सकते हो, और यहाँ पर हमें एक और फीचर देखने मिलता है जहां पर आप अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हो
सकते हो। फिंगरप्रिंट स्कैनर पर आपको अपना उंगली रखना है और यहाँ पर ये भाई साहब अपना डेटा निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो जो हार्ट रेट है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो अभी डेटा आ चुका है आप लोगों के सामने, मतलब नॉर्मल देखने मिलता है। अभी इस फोन की परफॉर्मेंस को लेकर बात करूंगा, स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है, तो इसे ना आप काफ़ी देर यूज़ करोगे ना तो ये भाई साहब है ना बुरा मानते हैं थोड़ा सा गर्म होने लग जाते हैं। साइड में जो एल्यूमिनियम फ्रेम है ना वो आपको हाथ में हीट लगेगी। तो जब मैंने इसे एंटूटू बेंचमार्क पर टेस्ट किया था ना तो वहाँ पर हमें जो स्कोर निकल कर आया भाई 800,000 प्लस का एंटूटू बेंचमार्क का स्कोर निकल कर आया इस फोन के अंदर मी 11 अल्ट्रा के अंदर। सो उसी के बाद में हमने स्टोरेज का स्पीड टेस्ट किया और वहाँ पर हमें UFS 3.1 देखने मिलता है, जिसकी वजह से ऐप ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है और जो रीड एंड राइट के स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने मिलता है। सो यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग है देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी यहाँ पर हमें ये देखने मिलता है आउटपुट। और मैंने ना मेरे एक पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो चाइनीज फोन्स होते हैं ना शाओमी के, उसके अंदर मी यूआई काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज देखने मिलता है, बट वही जो इंडिया के अंदर फोन आते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ तो बग देखने मिलते हैं। इसके अंदर तो मुझे ऐसा कोई फिलहाल प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, बाकी जब लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो और आप लोगों के सामने सारी बातें रख सकते हैं और जब इसका इंडियन वेरियंट आएगा तब देखते हैं किस तरीके से उसके अंदर सारी चीज़ें स्टेबल करके रखी हुई है। सो यहाँ पर इस भाई साहब के अंदर हमने थर्मल थ्रॉटलिंग का भी टेस्ट करके देखा, वो तो बनता ही था क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है तो कितना ज़्यादा स्टेबल तरीके से देखने मिलता है। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला टेस्ट हमने किया था थर्मल थ्रॉटलिंग का, जिसके अंदर आप जो ग्राफ देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से सारी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था, 84% रिजल्ट निकल कर आया था जो काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है और आप देख सकते हो ग्रीन लाइन के अंदर ही देखने मिलता है। पर एक आध घंटे के बाद में मैंने फिर से एक टेस्टिंग करके देखी जिसके अंदर ये जो परफॉर्मेंस थी थोड़ी सी हमें नीचे जाती हुई नजर आई और यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो CPU कितना थ्रॉटल हो रहा था 78% पर निकल कर आया। और बाकी यहाँ पर हमें वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, मतलब फुल HD का कंटेंट आप इसके अंदर एंजॉय कर सकते हो Amazon पर, Netflix पर। और यहाँ पर हमें कैमरा टू API का भी सपोर्ट देखने मिलता है, यानी कि GCam लगाकर भी आप मजे ले सकते हो। सो देखो बाकी रही बात हैप्टिक फीडबैक्स को लेकर, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कह सकते हो प्रीमियम एक्सपीरियंस निकाल के देता है। जैसे कि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछेंगे कि भाई PUBG की परफॉर्मेंस किस तरीके से निकाल के देता है ये भाई साहब। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें PUBG की जो परफॉर्मेंस है 60 FPS पे देखने मिलती है, 90 FPS का सपोर्ट देखने नहीं मिलता। कॉन्फिग फाइल वगैरह डाल के भी देखी तो भी 90 FPS का सपोर्ट नहीं आ रहा था, ना ही PUBG KR में ना ही PUBG ग्लोबल में। तो यहाँ पर जो 60 FPS की गेमिंग है वो काफी अच्छी तरीके से आपको देखने मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका एक डेडिकेटेड PUBG रिव्यू भी आएगा मी 11 अल्ट्रा का, जो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर कर लेना। बूट कैंप पर मस्त तरीके से हम लोगों ने टेस्ट किया था और बाकी सभी चीजें हम लोगों ने करके देखी थी। तो बेसिकली गेमिंग इस फोन के अंदर अच्छी तरीके से निकल कर आएगी और ऑफकोर्स क्यों नहीं निकल कर आएगी भाई, 888 का प्रोसेसर लगा रखा है, UFS 3.1 का स्टोरेज है, सभी चीजें घुसेड़ दी है इस फोन के अंदर, प्रीमियम से प्रीमियम सारी चीजें घुसेड़ के रखी है, तो परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी निकल कर आएगी। सो यहाँ पर जो बैक डिस्प्ले है वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने टाइम रखा है, जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे तो यहाँ पर ये पूरा भाई साहब सेटअप करके रखा है हमने। और यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये आपको जो मी बैंड 5 है ना वो वाला डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर इसके डिस्प्ले की क्वालिटी भी हमें अच्छी देखने मिल जाती है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें बैटरी रख सकते हो, नोटिफिकेशन एरिया रख सकते हो, बंद कर सकते हो नो बैटरी वगैरह, और अलाइनमेंट इस तरीके से रखनी है कि क्या वो सब कर सकते हो, सिग्नेचर अपना कुछ रखना है। सो यहाँ पर बैक साइड में कुछ इस तरीके से आप अपनी फोटो भी रख सकते हो और बाकी अदर ऑप्शंस भी आपको देखने मिलते हैं। तो फाइनली फोन हमारे हाथ में आया और आया तो आया, बहुत ज़्यादा हैवी है यार, ये ऊपर वाला एरिया तो लिटरली ऐसा लगता है कि पीछे गिरेगा, लिटरली इस तरीके से फील होता है। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। तो भाई वीडियो पसंद आया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी इसी तरीके के नए कॉन्टेंट मैंने प्लान कर दिया और कुछ मज़ेदार फोन्स आपको और देखने मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपको और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों आज की इस टेक की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।